यहाँ दिखाई दे रहा है काल परसों से नाकर रेसिडेंटल स्कूल में करेन एक सप्ताह से नहीं आ रहा है, कोई एग्जाम चल रहा है बोलकर। इसीलिए मैं यहाँ में सिल संघो में करेन जो जब जब पब्लिक चिल्लाने से आता है, जब पब्लिक यहाँ नहीं चिल्लाने से नहीं आता, वही एक बीमार है यहाँ का कारण है। इसलिए मैं यहाँ बोलना चाहूँगा डिपार्टमेंट को, जब यहाँ में स्कूल एग्जाम चल रहा होने से अच्छा से ये करना है, देखभाल कर देना है डिपार्टमेंट जो करेन के लिए। और ये स्कूल का एग्जाम चलने से यहाँ में हमारा सेल संघों में रेसिडेंटल स्कूल न्योपंग है, रेसिडेंटल स्कूल नाकर है, मिंगोपान है। अभी हाफ ईयरली का देने का ये सीजन आ गया, उसमें जो डिपार्टमेंट थोड़ा अपना लेबर लोग को इंगेज करके करेन को ठीक कर देना है, सुविधा कर देना है। और ऐसा भी बात है सेल संघों में हर समय में, या इंडिपेंडेंट डे हो, रिपब्लिक डे हो, या कुछ कुछ फंक्शन होने से करेन का कमी होता है, उसका कुछ कारण होता होगा। इसलिए मैं डिपार्टमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका ये मीडिया का जरिए आप ये करेन का प्रॉब्लम को आप लोग सोल्यूशन करने से अच्छा रहेगा। मैं कभी बार ये करेन डिपार्टमेंट का भी साथ दिया है, साथ लेके सोशल सर्विस भी करवाया है, साथ में किया भी है। इसलिए मैं यहाँ मैं प्रॉब्लम को दिखाई दिया है, प्रॉब्लम दिखाई दिया मीन्स एक जो हमारा यहाँ में सेल संघों का करेन इरेगुलरिटी का प्रॉब्लम जो हुई है, लेबर का कमी है। लेबर जो हर गांव में लेबर नहीं है, उसका भी एक कारण है। उसमें कारण जो है हर बस्ती बस्ती में लेबर होना चाहिए, उसके लिए सरकार और या हायर अथॉरिटी एनी से लेने से अच्छा रहेगा। और उसका बाद में करेंट जो बिल लेना और उसका पेमेंट लेना, उसका टाइमली नहीं होता है, टाइमली नहीं लेता है, उसमें लेने वाला नहीं होता है, मांगने वाला नहीं होता है। उसके लिए मैं जेई और एई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक मंथली टाइमली पेमेंट लेने वाला एक इंगेज कीजिए, या एक कंतर खुलिए, उसमें कंतर नहीं है और पेमेंट लेने वाला नहीं है उसके लिए, और पब्लिक देने के लिए राजी है। अगर मांगने वाला नहीं आता है, फिर पैसा ड्यू आ जाता है, पेनल्टी 2% इम्पोज हो जाता है, फिर देने नहीं सकता है। इसलिए टाइमली मांगने से वो मंथली चार्ज को दे सकेगा, या तो नहीं लेने वाला नहीं होने से कांतर एक डिपार्टमेंट खुल के रखिए सेल संघों का अंदर में, किसी को इंगेज कीजिए। उसका बाद ये एक मेरा ये है, और जेई साहब और ए साहब से सेक्शन ये इंचार्ज से रिक्वेस्ट है, अपना अपना जुरिडिक्शन में लीवर को इंगेज करना है, कौन सा मिंगो से कहाँ तक करेन लाना है, उसका डिपार्टमेंट है बस्ती बस्ती में, उसको इंगेज करके अपना अपना जुरिडिक्शन में करेन लाने देना है। हमारा बस्ती जो सबसे लास्ट में नाकर बस्ती, उसमें हमारा बस्ती से लीवर नहीं जाने से करेन नहीं पहुँचना है, इसलिए अपना जुरिडिक्शन में करेन ला कर कोरस्पॉन्डिंग होना है। और एक लास्ट बात है ये गम सर, जो आप लोग का जो लाइट नहीं है बजा जो ये है, आप लोग ये चीज को लेके जो वहाँ का जय है एक को नहीं बताया आप लोग, ये इतना दिन से लाइट नहीं है वो वहाँ में, ये रिटेन तौर पे तो नहीं दिया, हमेशा बताते रहता है फोन में कन्वर्सेशन में बताते रहता है। वो लोग का कहना है कि लेबर का कमी भी है, और या मेंटेनेंस का सामान आइटम भी प्रॉब्लम है। हम सच में हम देखा भी है ये मेंटेनेंस आइटम नील है, इस तुर में तुतेली नहीं है। हम उस दिन सोशल सर्विस हमारा गांव का और किला का बीच में प्रॉब्लम हुआ था, उसमें जितना लीवर और हम लोग बस्ती वाला लोग साथ दिया, उसमें ये मेंटेनेंस आइटम जो नील था। इसलिए मैं हायर अथॉरिटी से पावर डिपार्टमेंट को वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ का सिल संघों का पब्लिक होने का नाते और लीडर होने का नाते ये मेंटेनेंस आइटम को अवेलेबल ला देने से अच्छा है, स्टॉक कर देने से अच्छा है, तब यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ये कितना दिन से लाइट नहीं है वहाँ पे अभी? मैं सुनने में आया है
ये महीना में पूरा लाइट ते नहीं हो रहा है बोल रहा है। और समर सीजन में तो लाइट तो रेयरली 1-2 सप्ताह ही होता है, होता ही नहीं है। अभी ठंडा सीजन में तो होता है। जैसे कि अगर लाइट एक महीना से लाइट नहीं है तो एक महीना का बिल आप लोग कैसे देता है उसको, दाग कैसे दे देता है, या फिर बिल को लाइट देने का बाद देता है? इसलिए मैंने थोड़ा पहले आपका जरिए बताया है, लाइट का पेमेंट जो हम लोग करेंट नहीं आने से भी दे देता है और आने से भी दे देता है। वही एक चीज है, करेंट का बिल मांगने वाला नहीं होता है और कांतर नहीं है उसमें। नहीं, टाइमली नहीं देने से उसका पेनल्टी 2% आ जाता है। 2% तो मांगने वाला नहीं है तो 2% का ये पेनल्टी को नहीं मांगना चाहिए, इम्पोज नहीं करना चाहिए। वही मेरा रिक्वेस्ट है।